हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बस शाम का टाइम है और मैं धो रही हूँ कपड़े। तो कपड़े नहीं धो रही, मैं बैग धो रही हूँ सिर्फ। कपड़े वगैरह सारा काम तो मेरा हो गया है, अपने सब शाम के काम शुरू कर रही हूँ। तो मुझे याद आया कि बैग मुझे धोना है, क्योंकि हम कहीं जाने वाले हैं और मैं आपको आगे बताऊँगी कि हम कहाँ जाने वाले हैं। तो बैग गंदा हो रहा था, मैंने कहा चलो इसको धो देती हूँ। तो मैं थोड़ा सा पानी कर लूँगी वॉशिंग मशीन में, क्योंकि बैग की ये चीज़ें हाथ से नहीं धो पाता है। बस मैंने थोड़ा सा वॉशिंग मशीन में पानी किया है और सर्फ डाल दिया है, और तब तक पानी हो रहा है, पाइप लगा दिया है, तब तक मैं जो मैंने सुबह ही कपड़े धोए थे, कल नहीं सुबह धोए हैं कपड़े, उनको मैं निकाल के रख देती हूँ उठा के। तो बाद में तय बना लूँगी, क्योंकि अभी शाम के जो काम होते हैं, आज वही आपके साथ रूटीन शेयर कर रही हूँ कि शाम को मैं क्या क्या काम करती हूँ, कैसे कैसे करती हूँ और क्या क्या चीज़ें हैं ज़रूरी जो मैं करती ही करती हूँ। तो बस अभी इधर पानी भर गया है, उधर मैंने बंद कर दिया है, और अब मैं डाल दूँगी इसमें सर्फ, क्योंकि बैग सिर्फ दो धोने हैं तो डाल देंगे। और फिर मुझे याद आया कि अभी आज मैंने मेहंदी भी लगाई थी दोपहर में, तो वो वाले मैं नहाई थी, फिर दोबारा वो वाले कपड़े हो गए थे, और राघव की कटिंग हुई थी बालों की, वो कपड़े हो गए थे, पहले मैंने डाल दिए थे बैग। फिर मुझे लगा कि चलो ये जो कपड़े हैं ना, इनको भी पहले इनको निकाल देती हूँ, क्योंकि वो कपड़े ज़्यादा गंदे नहीं थे, सुबह के पहने हुए थे और ज़्यादा गंदे भी नहीं थे। तो मैंने कहा उनको पहले घुमा देती हूँ और फिर मैं बैग डाल दूँगी बाद में, क्योंकि ज़्यादा वो नहीं रहेगा, गंदे नहीं होगा पानी। क्योंकि हम देखिए, मैं दो बैग किए थे यार, एक बड़ा है काफ़ी। पहले हम कन्फ्यूज़ हो रहे थे कि क्या क्या करें, ये तो पहले ही कर लेती, ये काम सुबह ही कर लेती, बट ये था कि कन्फ्यूज़न था कि क्या लेके जाना है, सूटकेस लेके जाना है या ये वाला बैग लेके जाना है। तो फिर डिसीज़न लिया हम लोगों ने कि सूटकेस में ये रहता है कि भारी भी हो जाता है, और बैग होता तो बैग भारी है, लेकिन बैग ऐसा है कम जगह में वो आ जाता है, और बैग में काफ़ी सारी चीज़ें भी आ जाती हैं, सूटकेस में इतना नहीं हो पाता, क्योंकि बैग में जो है साइड की चेन वगैरह भी होती है, उनमें भी आप बहुत कुछ रख सकते हो। तो बस यहाँ पे मैंने उसको बैग को डाल लिया है धुलने के लिए, और अभी यहाँ पे मैं लेके बैठूँगी कपड़े तय करने के लिए, क्योंकि यहाँ राघव अपना पढ़ाई कर रहा था, तो मैंने कहा चलो यहीं पर मैं अपने कपड़े तय कर लेती हूँ, क्योंकि राघव को बताती जाऊँगी जो भी राघव पढ़ रहा है, दो उनमें मेरे दो काम हो जाएंगे। तो बस यहाँ पे कपड़ों की तय बना लेते हैं। अब मैं देख रही हूँ कि मेरे बेड पे इतने सारे कपड़े फैले पड़े हैं, उसका मतलब यही है कि जो मैं ले जाने वाले कपड़े हैं, क्योंकि हम यहाँ से अभी बताएंगे आपको आउट ऑफ स्टेशन जाने वाले, यानी यहाँ आसपास नहीं जा रही, नहीं मैं भी मायके जा रही हूँ, हम आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या पंजाब, दोनों बोल सकते हो, क्योंकि हम जहाँ जाने वाले हैं वो वहाँ पंजाब भी है, थोड़ी जगह पे लग जाता है हिमाचल प्रदेश, तो वहाँ हम जा रहे हैं। तो बस यहाँ पे मैं कपड़े वगैरह तय कर रही हूँ, और जो कपड़े मेरे थे ना वो मैंने सब उठा उठा के बेड पे रखती जा रही हूँ, जो जो मुझे ले जाने हैं, तो अब एक साथ लग जाएंगे उसमें बैग में, अब जो जो मुझे याद आता जा रहा है मैं बेड पे उस वाले पे इकट्ठा करती जा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जब घर से बाहर जाते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ले जाना ज़रूरी होती हैं और हम भूल जाते हैं, तो इसलिए मैं जो जो मुझे याद आता जा रहा है, क्योंकि भाई देखो मेरे पर काम बहुत हैं और फिर काम में लग जाती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ बहुत सारी चीज़ों को, तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें दो दिन से पहले स्टार्ट कर दी हैं, जैसे आज और हमें जाना है परसों, और कल मैं बैग पैक करूँगी, तो धीरे धीरे जो भी मुझे याद आता जा रहा है, तो इससे क्या होगा, कोई चीज़ रहेगी नहीं। अब इनको याद आ रहा है तो इनसे भी कह रही भाई तुम्हें कोई चीज़ दिख रही है तो तुम भी इधर ही रख दो बेड पे, बच्चों से कहा है कि तुम्हें कुछ लगता है कि ये तो तुम भी रख दो, तो उससे कोई चीज़ रहेगी नहीं। तो बस अब यहाँ पे जो शाम के बर्तन हैं चाय वगैरह के, और जो बाद में बच्चे खाना खाते हैं दोपहर में, कुछ ना कुछ वो होता रहता है, तो वो सारे बर्तन इकट्ठा फिर हो जाते हैं, सिंक भर जाती है फिर भी, तो वो सारे बर्तनों को मैं अभी साफ़ करूँगी। और शाम के काम भी बहुत रहते हैं, ये नहीं कि शाम को कम काम रहते हैं, शाम को झाड़ू भी मैं लगाती हूँ घर में, और कभी कभी तो ऐसा होता है बहुत ज़्यादा गंदा भी कर देते हैं घर बच्चे, तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, नहीं होता है तो मैं हल्की हल्की झाड़ू निकाल लेती हूँ। अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ फिर से किचन में, और मैं बना रही हूँ इनके लिए और अपने लिए चाय, क्योंकि ये नहीं थे, बाकी सब ने चाय पी ली थी, अब ये आ गए थे तो मैंने सोचा इनके लिए भी चाय बना लेते हैं। और इधर धनिया पीस करके मैंने रखा था, तो धनिया मैंने प्लेट में ही कर दिया था, तो अब ये हो थोड़ा सा ऐसा हो गया था ठंडा, क्योंकि पीसते मैंने गर्म सा हो गया था, हल्का सा मैं उसको ना भून के इसकी सिला सा ना रहे तब पीसती हूँ, तो मैंने उसको भी खाली करके रख दिया डिब्बे में, क्योंकि मैं अभी भी जाने वाली हूँ ना, तो मैं ऐसे काम कोई नहीं छोड़ के जाऊँगी जो मम्मी को परेशानी हो या बाद में बहुत दिन तक
मतलब ख़राब हो फ्रिज में, क्योंकि भाई मम्मी इतनी ज़्यादा काम नहीं कर पाती, उसे मसाला पीसना ये नहीं कर पाती, उतना है कि बस हाँ रोटी बना लिया और एक टाइम रोटी बन गई एक टाइम नाश्ता बन गया, वही चीज़ है। तो यहाँ पे ये सब्ज़ी भी लेकर के आए थे तो मैं लगे हाथों इनको भी कर दूँगी, जैसे भिंडियाँ हैं, खरबूज है, खीरा है, ये सारी चीज़ को खला के रखूँगी और भिंडियों को मैं धो के रखूँगी, क्योंकि आज मुझे भिंडी ही बनानी है शाम में, बहुत ज़्यादा थी, 1 किलो भिंडी लेकर के आए थे। तो मैंने कहा चलो बिना प्याज की भिंडी बनाएंगे सिंपल, मुझे सच बताऊँ ना बिना प्याज की भिंडी अच्छी लगती। यहाँ खरबूज वगैरह भी मैं धो के रख दूँगी लगे हाथों, ये सारी चीज़ें मैं शाम को करके रख देती हूँ। अभी सभी ये लाए हैं तो मैंने फटाफट से सारा बैग वैग खाली किया है और चलनी मैं निकाल के रख दूंगी भिंडी। तो जब तक अच्छे से मेरे और काम होंगे, अभी काफ़ी टाइम है, तब तक भिंडियाँ ना अच्छे से निचोड़ लेंगी, गर्मियाँ हैं फटाफट से सूख भी जाती हैं। तो ऐसे मैं करूंगी, ये सारी चीज़ें हो गई, खरबूजे धो के रखूंगी, खीरे फ्रिज में लगाऊंगी, ये सारी चीज़ें मैं ऐसे ही करके रखती हूँ। इधर मेरी चाय बन रही है, अभी मैंने चाय छानी नहीं है, यानी मैं ऐसे ही करती हूँ, अपने एक के साथ कई काम करती हूँ। तो उधर मेरी चाय अभी धीरे धीरे बन रही है, मैंने छोड़ दिया था गैस कम करके, तो वहाँ वो भी रख दिया सब्जी वगैरह। और इधर मैं निकाल रही हूँ मलाई जो मेरी जमी हुई रखी, इसको मैंने जमा दिया था कल, तो वो रखी है, उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि फ्रिज में रखने से अभी गर्मियाँ हैं तो बहुत जल्दी आ जाता है, वरना बहुत टाइम लग जाता है, तो मैंने वो भी निकाल के रख दिया। इसको भी मुझे चलाना है और अभी मैं छानी हूँ अपनी और इनकी चाय। तो बस मैं चाय लेके जाती हूँ, चाय पीऊँगी, फिर उसके बाद मैं चलाऊँगी मक्खन मतलब मलाई, तो वो मक्खन वक्खन निकाल निकुल के रख जाऊँगी मैं, गर्मी बहुत लग रही थी मुझे। तो जी बस यहाँ पे बैठ गई हूँ मैं मिट्टी कट करने के लिए। ये देखिए सारे काम से अभी जो मेरे शाम के काम थे हो गए, शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। और अभी थोड़ा सा मैं तैयार भी हुई थी क्योंकि मुझे जाना था मार्केट और हस्बैंड जी ने पति देव ने धोखा दे दिया, पहले बोले कि तैयार हो जाना और मार्केट चलना है, फिर थोड़ी सी शॉपिंग मुझे अपने लिए करनी है और तो उसके लिए मुझे जाना था, तो लेकिन फिर बोले कि अभी आज बहुत ज़्यादा भीड़ है मार्केट में और अब आज रहने दो कल चलना, तो ठीक है तैयार हुए हुए रह गए। तो बस चलिए मैं कहते थे खाने की तैयारी कर लेते हैं, टाइम हो रहा है 7:30, 8:15 तो सब्जी काट लेती हूँ, बनेंगी रोटी पराठे, क्या बनेगा पता चले, भिंडी की सब्जी और घी मैंने चला लिया है, वो सॉरी मक्खन निकाल लिया है और गर्म करने रात में ही रख दूँगी, क्योंकि आज जो है सोमवार है, कल मंगल में नहीं होगा, सोमवार में होता है ना घी गरम। मैंने मेहंदी लगाई थी, कितना अच्छा कलर आया बालों में देखो, बहुत बढ़िया सा कलर, दिन में मैंने मेहंदी लगा ली थी, यहाँ थोड़ा सा रह गया, नहीं सही आया वैसे लग रहा है, ऐसा है अच्छा कलर आया देखो, शाइन मार रहा है। तो चलिए कट कर लेते हैं भिंडी वगैरह, सब्जी की तरह तैयारी कर ले, फिर मिलते हैं आपसे। तो जी अब आ गई हूँ मैं किचन में और बना रही हूँ सब्जी। तो मैंने कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में मैंने सरसों का ऑयल कर दिया है और भिंडी मेरी तैयार है, वैसे मैं प्याज नहीं काट रही थी, मतलब बिना प्याज के ही बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने अजवाइन डाला है और हींग डाला है और उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दी है अपनी भिंडी कटी हुई, और भिंडी डाल करके इसमें डालूँगी मैं सिर्फ नमक और हल्दी बस, बाकी मसाले मैं बाद में ऐड करती हूँ जब भिंडी हमारी बन के तैयार हो जाएगी यानी पक जाएगी। बहुत सॉफ्ट भिंडी थी तो फटाफट बन जाएगी, 5 मिनट भी नहीं लगते हैं इस तरह की भिंडी बनाने में, अच्छी सॉफ्ट होती है ना, तो हमारे सब्जी काफ़ी अच्छी आती है, ऐसा नहीं सब्जी बहुत बढ़िया मिल जाती है, एक ही ऐसा होता है कि नहीं सब्जी अच्छी मिलती, लेकिन हमारे अच्छी मिलती है। तो बस यहाँ गैस सिम करके मैंने सब्जी को छोड़ दिया है बनने के लिए और तब तक मैं अपना आटा लगा लूँगी, तो ये नहीं कि टाइम बर्बाद हो, फटाफट से मेरी जो भी मेरे काम एक के साथ मैं 2-4 काम साथ में करती हूँ, जैसे कि मेरी चाय बन रही थी उतने टाइम में मैंने सब्जी धो दी और धनिया वगैरह ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, मैं ही नहीं मुझे लगता है सभी ऐसे करते होंगे। तो बस यहाँ पे आटा छान लिया है और मैं लगा दूँगी यहाँ पे आटा और साथ में अपना भिंडी भी चलाती जा रही हूँ। तो आज मैं बनाऊँगी पराठे, क्योंकि भिंडी के साथ सबको पराठे पसंद है, तो पराठे बनाऊँगी और थोड़ा सा वो रखा था
मैंने पना बनाया था कच्ची कैरी का, तो वो भी रखा था। वो पराठे भिंडी का बहुत बहुत अच्छा संग कहते हैं ना, वो होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मैंने वेट नहीं किया है सब्जी पकने का, मैं बनाने लगी हूँ साथ में पराठे। गैस पे मैंने रख दिया है दूसरी पे सब्जी को, और पराठे सेकने लग दूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना, जैसे राघव तो भिंडी से खाएगा, कृष्णा नहीं खाएगा भिंडी से, कृष्णा को भिंडी पसंद नहीं है, कृष्णा अचार से खाएगा और उससे खाएगा पनीर से। तो उसके लिए मैं पराठे सेकूँगी बच्चों के लिए। और हमारे यहाँ पराठे का ये है, और ये और मम्मी ये पराठे ठंडे अच्छे लगते हैं, तो मैं ठंडे बना के पहले रख दूँगी, और फिर पापा भैया ये इनको गर्म गर्म पसंद है। तो जो पराठे पहले से बनाने लग जाऊँगी ना, तभी हो पाएगा। अगर मैं सोचूँगी नहीं पहले पापा खा लें, क्योंकि पापा हमारे लेट खाते हैं खाना, तो फिर बहुत लेट हो जाएगा। इसलिए मैं पराठे स्टार्ट कर देती हूँ बनाना, जब भी बनाती हूँ ना। रोटी का तो मुझे लगता है, लेकिन पराठे जब भी सेकती हूँ तो मैं पहले से बनाना शुरू कर देती हूँ। तो बस कृष्णा आ गया था अपने, मैंने कहा आलू रखे हैं उबले, आलू से खाओगे? तो बोले नहीं, आलू से नहीं खाना है। तो मैंने फिर रख दिया था, मैंने वो देखा था पना जो है ख़राब तो नहीं, क्योंकि अभी आज ना कल हमारी वो है लाइट जो है वो काफ़ी देर तक चली गई थी, तो मुझे लगा कहीं ख़राब ना हो गया। तो यहाँ राघव देखो अपने दिखा रहा है, नहा करके आया है, ये दोबारा से नहाया है रात को। तो बस चलिए, अभी खेल के आया था ये, जैसे कटिंग कराने के बाद फिर खेल के आया। तो फिर तो गर्मी लग रही थी इसको बहुत ज़्यादा, गर्मी इतनी ज़्यादा हो कि दो तीन चार कितनी बार नहा लो पता ही नहीं चलता। तो बस यहाँ पे सब्जी भी हो गई थी, इसमें मैंने धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर ये डाल दिया है, और थोड़ा सा अमचूर पाउडर। वैसे मेरे घर में अमचूर पाउडर कम पसंद है, लेकिन थोड़ा सा डाल दिया था मैंने, थोड़ा सा डाल दिया था। तो बस यहाँ पे ये मसाले डालने के बाद फिर मैं सब्जी को थोड़ी देर खुले में ऐसे ही पकाती हूँ बिना ढके हुए, कि सब्जी वैसी ना रहे, पानी पानी सा ना हो जाए भिंडी में। भिंडी ऐसी सॉफ्ट होती है ना कि बहुत जल्दी पक जाती है, और बहुत जल्दी से गीली गीली से हो जाती है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा गैस को बढ़ा करके और धीरे धीरे खुली गैस मतलब कढ़ाई पकाऊंगी ढक बिना ढके हुए, और उसको अच्छे से भून सा लेंगे, जैसे कि वैसी हो जाए एक 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 भिंडी हो जाए वैसी वैसी पसंद करते हैं। घर में जरा भी घुट जाती है ना, यानी ज़्यादा हो जाती है तो नहीं खाते हैं। तो बस यहाँ पर मैं पराठे सेक दिए हैं, और खाना मेरा बन गया था। पापा जो है सबसे लास्ट में आए थे, तो पापा को मैंने गर्म दिए थे, बाकी सारे मैंने सेक के रख दिए थे। तो बस अब पापा के लिए चाहिए आम, तो उन्हें आम खाना था, तो बस मैं यहाँ पे ना उनको आम छील करके दे रही हूँ। पापा वैसे नहीं खा पाते हैं ना, दांत वगैरह थोड़े से ऐसे ही हैं, दांत उनके टूट चुके हैं ज़्यादातर, तो मैंने उनको छील करके काट करके आम दे दिया है। और अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ शाम को दूध तैयार, क्योंकि ठाकुर जी का भोग लगना है। अच्छा, दूध तैयार करने से पहले मैं पहले गैस को पूरा पोंछ देती हूँ, क्योंकि भोग तैयार होता है ठाकुर जी का दूध का। तो यहाँ पे मैंने पूरी गैस को पहले स्लिप को गैस को साफ़ कर दिया है, उसके बाद मैंने यहाँ पे दूध गर्म किया है। तो भोग लगेगा और पापा लेंगे, पापा खाने के तुरंत बाद दूध ले लेते हैं, तो इस वजह से मैं साथ के साथ सबसे पहला, मतलब मुझे ये हैबिट हो गया है, आदत ही हो गई है इस चीज़ की, कि बस खाना बनाया सीधा गैस स्लिप पहुँचा तुरंत दूध रख दिया। हाँ, तो ये आदत में आ गया है मेरी में। तो बस काम से हो गए फ्री, और यहाँ अभी जो सामान फैला पड़ा था ना, वो पैकिंग का था सारा सामान, जो मैंने निकाल निकाल के रखती जा रही थी, कि जो सामान चाहिए जो जो रखना है, इसमें प्रेस होनी है, प्रेस हो गई हमारी ख़राब, उस चक्कर में सारे कपड़े फैले ऐसे ही पड़े हैं प्रेस करने बैठी और प्रेस ख़राब हो गई। तो ये हुआ कि ना तो कपड़े प्रेस हुए और फैल गए वो अलग सारे। अब ये है ना, जैसे मैं क्या करती जा रही हूँ, जो जो चीज़ रखनी है वो सारी चीज़ मैं इकट्ठा करती जा रही हूँ एक जगह, जैसे कि बैग पैक करने में आसानी हो जाए। और बैग मैंने धो के डाल दिया है, सूख जाएगा, गंदा हो रहा था। और यहाँ इसकी आज होगी कटिंग फिटिंग है ना, कैसी लग रही है ये? अपने सैंडल दिखा, ये सैंडल लेके आया है अपने, इसके छोटे हो गए थे वैसे तो ठीक थे काम, मतलब पैर ऐसे ना टाइट कहता था मम्मा कट रहा है पैर इसमें, तो ये इस राघव के सैंडल हैं, स्पोर्ट्स के लाया, स्पोर्ट्स वाले लाया। और बस सबकी हो गई, जो भी छोटा मोटा ज़्यादा कुछ नहीं करी, छोटी मोटी शॉपिंग थी वो, इसको तो बस सैंडल ही लाने थे, कृष्णा को कुछ नहीं लेना था, बाकी सबका था। हाँ, बस मेरा ही रह गया है अभी, मेरा जो शॉपिंग थी छोटी मोटी सी, मेरी भी छोटी मोटी है, तो वो भी मजबूरी वाली है, मतलब ज़रूरी है वही कर रही हूँ, वरना तो करती भी नहीं, तो बस वही रह गई है। तो चलिए अभी करते हैं इस वीडियो को एंड, रात बहुत हो गई। कितने बज गए बाबू? 11 बज गए, देखो तो सही, बाकी 4 मिनट बाकी रह गए, 11 बज गए, 4 बज गए, अब ये समझ नहीं आ रहा कि सुबह के 11 बज गए। और कोई कहे कि इस वीडियो का बस यहीं पे एंड करेंगे। हाँ जी, कोई कहे कि 12 बज गए हैं,
तो मतलब दिन के या रात के? हाँ, नहीं रात के बज गए 11, दिन के तो नहीं। अब वीडियो हमने शाम से स्टार्ट मतलब किया चाय के बनने तो सही है, मतलब 4 बज गए तो ये समझ नहीं आता कि शाम तो के बज गए या सुबह के। इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। अभी नींद आ रही है बहुत जोरों से, गर्मी भी लग रही है, मुझे बाथरूम को बुलाना है, तो जाओ। तो मिलते हैं आपसे कल नए से ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। राधे राधे। पैकिंग सेकिंग करेंगे, बहुत एक्साइटेड है राघव तो, बहुत ज़्यादा होके पहली बार कहीं वो जा रहा है ऐसी जगह पर। कहीं हम कहीं नहीं गए, शायद आपने वीडियो में देखा होगा, मतलब छोटी ऐसे तो जाते रहते हैं वृंदावन वगैरह यहाँ तो। और अभी जो हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पहली बार जा रहे हैं बच्चे दोनों मेरे। मैं तो गई थी एक बार, वो भी शादी के बाद गई थी, तुरंत शादी के 10 दिन बाद 15 दिन बाद गए थे हम लोग। तो बच्चे पहली बार जा रहे, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा। बाय बाय, राधे राधे।